तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था हॉस्पिटल की डेफिनेशन जानी थी और हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट जाने थे और हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हॉस्पिटल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के अनुसार हॉस्पिटल सोशल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटेग्रल पार्ट होता है, जिसका कि फंक्शंस होता है तो पॉपुलेशन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना रहता है। दोनों प्रकार की रहती है, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। क्यूरेटिव रहेगी कि ऐसी सेवाएं प्रोवाइड करना जिससे कि जो पॉपुलेशन है उसको बीमारी ना हो, और प्रिवेंटिव में बीमार होने के बाद में जो केयर दी जाती है वो रहेगी। और ये जो सेवा है वो पेशेंट के या फिर पॉपुलेशन है उसके पहुँच में होनी चाहिए और उसके होम एनवायरनमेंट के अंदर होनी चाहिए। हम जानेंगे हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ये रहेंगे क्लाइंट केयर, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मरीज आते हैं तो उनकी जांच करना और उनको ट्रीटमेंट करना बीमारी के अनुसार। अगला रहेगा प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज है उसको प्रिवेंट करना और उसका ट्रीटमेंट करना। नेक्स्ट रहेगा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना। अगला रहेगा ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ट्रेनिंग देना जैसे नर्सिंग, पैरामेडिकल, MBBS, इन संबंधित ट्रेनिंग देना और रिसर्च, किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करना या किसी भी डिजीज है उसके ऊपर रिसर्च करना। और रहेगा अगला आउट पेशेंट और इन पेशेंट सर्विस, इसमें OPD और IPD सर्विस रहेगी। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को किस किस आधार पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। ये रहेगा साइज़ के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर, सिस्टम के आधार पर और मैनेजमेंट के आधार पर। साइज़ के आधार पर हॉस्पिटल तीन प्रकार का रहेगा। स्मॉल हॉस्पिटल, जिसमें कि जो बेड की कैपेसिटी है वो 100 रहेगी या इससे कम रहेगी, और मीडियम हॉस्पिटल में बेड की कैपेसिटी 101 से लेके 300 के बीच में रहेगी, और लार्ज हॉस्पिटल में जो बेड है उसकी कैपेसिटी रहेगी 300 या उससे ज़्यादा। अब हम जानेंगे ओनरशिप के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के रहते हैं। तो ये रहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और जो पब्लिक से जो टैक्स मिलता है तो उसके द्वारा इनको चलाया जाता है, और ये जनरल हो सकते हैं या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो सकते, सिविल हॉस्पिटल महसाना, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आएगा। रहेगा नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो इसके अंदर भी ये रहेंगे वॉलेंट्री हॉस्पिटल, जिसको कि प्राइवेट फंड से या नॉन कमर्शियल लाइन के द्वारा चलाया जाता है। रहेगा सेवा हॉस्पिटल, जैसे कि रूरल हॉस्पिटल। दूसरा रहेगा प्राइवेट नर्सिंग होम, तो इनका कमर्शियल पर्पस से इनका यूज़ किया जाता है और इनका मेन उद्देश्य रहता है पैसे कमाना, और ये या तो एक डॉक्टर के द्वारा चलाया जाएगा या एक से ज़्यादा डॉक्टर्स के द्वारा इसको ओनरशिप किया जाता है, मतलब इसके मालिक रहते हैं। फिर है कॉरपोरेट हॉस्पिटल, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा चलाया जाता है और इनका भी जो मेन उद्देश्य है वो है कमर्शियल लाइन, पैसे कमाना रहता है। अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड, ऑब्जेक्टिव के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के रहते हैं। ये रहेंगे टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, तो ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे टीचिंग करवाई जाती है और साथ में रिसर्च वर्क होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज होते हैं तो वो इसी के अंदर आते हैं। दूसरे रहेंगे जनरल हॉस्पिटल, तीसरे रहेंगे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, तो ये किसी एक पर्पज क्षेत्र में स्पेशलाइज्ड रहता है, जैसे कि आई हॉस्पिटल हुआ, ऑर्थो हॉस्पिटल हुआ या गायनिक हॉस्पिटल हुआ, तो इस प्रकार से किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड रहता है। चौथा रहेगा आइसोलेशन हॉस्पिटल, तो इसमें इस प्रकार के हॉस्पिटल रहते हैं, तो ऐसे मरीजों को रखते हैं जिनको कम्युनिकेबल डिजीज होती है, वो दूसरी पेशेंटों को या दूसरे लोगों को ना फैले, तो उनके लिए अलग से ही आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। और पांचवा रहेगा रूरल हॉस्पिटल, जो कि गाँव में चलते हैं। सिस्टम के आधार पर दो प्रकार के रहेंगे, लॉन्ग टर्म केयर और शॉर्ट टर्म केयर। लॉन्ग टर्म केयर में पेशेंट को लंबे समय तक एडमिट करके केयर की जाती है, जबकि शॉर्ट टर्म केयर में कुछ समय के लिए केयर देके पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। फिर जानेंगे मैनेजमेंट के आधार पर हॉस्पिटल कितने प्रकार के रहते हैं। तो ये रहेंगे यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, लोकल गवर्नमेंट के, ऑटोनोमस, प्राइवेट हॉस्पिटल और वॉलेंट्री हॉस्पिटल।
अब हम जानेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, हॉस्पिटल को कैसे चलाया जाता है, तो इसके लिए कौन कौन स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है और किस प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो सबसे पहले रहेगा हॉस्पिटल डायरेक्टर, जो कि सबके ऊपर रहेगा, और इसके नीचे रहेंगे सीनियर डॉक्टर और अकाउंटेंट। अकाउंटेंट जितने भी स्टाफ रहते हैं तो उनका सैलरी का हिसाब देखते हैं, और जो भी परचेजिंग रहती है तो उसको देखना रहता है, मतलब जितना भी फाइनेंशियल जो रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं तो उनको अकाउंटेंट देखेगा, और पेशेंट की जो केयर करनी रहती है तो वो रहेंगे डॉक्टर्स। तो वो सीनियर डॉक्टर रहेगा, और उसके नीचे रहेंगे जूनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर के नीचे रहेंगे सीनियर नर्स और कंपाउंडर, सीनियर नर्स के नीचे रहेगी जूनियर नर्स, और जूनियर नर्स के अंडर में काम करेंगे वार्डन, हाउस कीपिंग मेम्बर्स और गेट कीपर्स और ड्राइवर्स।